नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका गोस्वामी, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ टॉप 10 जनरल साइंस क्वेश्चंस पार्ट 1। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से। नित्य दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? नित्य दृष्टि दोष होता है जिसके अंदर पास की चीज़ें दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। आपके पास ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। तो आपका आंसर क्या होएगा? आंसर है बी, अवतल लेंस। और अब क्या है? दूर दृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु जो नज़दीक की या जो पास की वस्तुएं होती हैं वो अस्पष्ट दिखाई देती हैं। और इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? मतलब जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो उड़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती ऊंचाई पर? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, ऑप्शन बी वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, ऑप्शन सी उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं, ऑप्शन डी वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। पक्षियों में पाई जाने वाली, पक्षियों के फेफड़ों में एक थैली पाई जाती है हवा वाली, वायुकोश वाली, वो क्या करती है? उनके शरीर को हल्का बनाए रखती है। तो पक्षियों के फेफड़ों में पाई जाने वाली थैली जिसमें हवा होने से उनका शरीर हल्का बना रहता है। और वायुकोश क्या करते हैं? पक्षियों को उड़ने में सहायता करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाई जाती है, मतलब CO2 की मात्रा कितनी होती है वायुमंडल में? ए है 78%, बी है 0.03% और सी है 21%, डी है 10%। तो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर ऑप्शन बी 0.03%। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन 4। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके लिए ऑप्शन है प्लास्मिड, उत्परिवर्तन, प्लास्टिड एंड इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहेगा इसके अंदर प्लास्मिड। ठीक है, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग विज्ञान की एक अत्याधुनिक ब्रांच है, मतलब लेटेस्ट ब्रांच है, जिसमें सजीव प्राणियों के DNA कोड में मौजूद जेनेटिक को अत्याधुनिक तकनीक के जरिए परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है। जेनेटिक तकनीक के द्वारा ही रोग प्रतिरोधक फसलें और सूखे में पैदा हो सकने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है क्लोरीन, सी है ऑक्सीजन, डी है नियोन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्लोरीन। ठीक है, अभी क्लोरीन किस किन चीज़ों में यूज होती है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन औषधि निर्माण में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधीय घटक है, मतलब औषधियों को बनाने में इसका प्रयोग होता है। मलेरिया, खांसी, टाइफाइड और ल्यूकेमिया आदि के उपचार के लिए प्रयोग होने वाली दवाओं में क्लोरीन मिलाई जाती है। और क्लोरीन की खोज किसने की थी? कार्ल विलहेम सीले ने। और क्लोरीन का जो परमाणु संख्या है, जो परमाणु संख्या मतलब एटम नंबर है, वो कितना है? 17। ठीक है, अभी हम करते हैं 6 क्वेश्चन। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था के गुजरे पहुंचना क्या कहलाता है? मतलब कोई चीज़ है, वो पहले तो क्या है? सॉलिड है, फिर डायरेक्ट वो ठोस से क्या बन रही है? गैस बन रही है। और उससे बीच में वो पहले लिक्विड नहीं बन रही, द्रव नहीं बन रही, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? आपके पास ऑप्शन है ए ऊर्ध्वापातन, बी क्वथनांक, सी प्रदीप्तिकाल, डी कोई नहीं। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऊर्ध्वापातन। ठीक है, ऊर्ध्वापातन क्या होता है? ऊर्ध्वापातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक क्या होता है? मतलब फिजिकल स्टेट जो होती है वो।
और रासायनिक केमिकल एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती, मतलब ऊर्ध्वपातन में सीधा एक से दूसरी स्टेज नहीं जाती, सीधा तीसरी चली जाती है। ठोस से द्रव नहीं बनता, ठोस से डायरेक्ट गैस बनती है। ठीक है, अभी करते हैं सेवंथ। कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के खुद बनाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी शैवाल। ठीक है, अभी स्वपोषी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन समय बनाते हैं और बिना किसी के ऊपर निर्भर रहकर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए, मतलब ना तो किसी पे डिपेंड रहते हैं ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं और अपना भरण पोषण समय करते हैं, उन्हें क्या बोलता है? समयपोषी। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एट। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है? मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर जब हम उड़ते हैं एरोप्लेन से या किसी भी वायुयान से तो हमें आसमान होता है, स्काई होता है, उसका रंग कैसा दिखाई देता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल, बी काला, सी पीला, डी नीला। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी काला। क्यों? क्योंकि जो अंतरिक्ष है वहाँ कोई वायुमंडल तो है नहीं, इन्वायरमेंट तो वहाँ है नहीं, तो वहाँ पर जो सनलाइट पड़ती है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, वो अलग अलग रंगों में नहीं बनती, विभाजित नहीं होती, तो इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है? आसमान काला दिखाई देता है। ठीक है, अभी नाइन्थ क्वेश्चन। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? मतलब एक ही काम करने वाली एक जैसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी कोशिकीय संरचना, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तक, यानी टिश्यू। ठीक है, तो उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? मतलब चुंबक की तरफ अट्रैक्ट कौन सी धातु नहीं होती? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोबाल्ट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी निकिल यानी निकेल। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। मीन्स एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होती। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।